मैं भोलेनाथ भगवान के पास आया हूँ, मैं रानी है तू और भगवान मेरे को भेजा है। रियासतों में हैवानियत के हर मंजर का मैं गवाह, मैं नायाब देश का सच कहूँ घटिया सियासत से तबाह। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हैवानियत का वो आलम कि कलम से स्याही गिराकर लिखना चाहो तो वो भी लाल हो जाए। क्यों इंसानी जीवन में बस इंसान बनना ही कठिन है? अगर इंसान ऐसा होता है तो शर्म की बात है कि हम इंसान। मैं भगवान का अवतार हूं और मारने के बाद जिंदा कर दूंगा, ये शब्द उस शख्स के हैं जिसने शराब के नशे में खुद को भगवान का अवतार बताया और बुजुर्ग महिला को इसलिए मार दिया कि वो उसे फिर से जिंदा कर देगा। फिर बात आती है वहां खड़े तमाशबीनों की, जो वीडियो बनाने की बुद्धिजीवी तो रखते हैं लेकिन उस बुजुर्ग महिला को सरफरे से बचाने का साहस किसी ने नहीं किया। इतना क्रूर और दिल दहला देने वाला वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। सब सच बताएगा, मैं भोलेनाथ भगवान के पास आया हूँ और भगवान मेरे को भेजा है। मैं भोलेनाथ का भगत हूँ। अच्छा नहीं मिल गई तो मैं रानी है तू एक वीडियो जिसमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति 85 वर्षीय महिला पर छाते से कैसे हमला करता जा रहा है। महिला कल की बाई गमेती को इतना मारा है कि उसकी उसी समय मौत हो गई। वहां कुछ लोग खड़े भी थे जिन्होंने वीडियो को शूट किया, लेकिन उन्होंने बुजुर्ग महिला को बचाना जरूरी नहीं समझा, जिनमें से दो नाबालिग थे। हालांकि पुलिस ने अपराध के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की बातचीत से पता लगा है कि आरोपी प्रताप सिंह नशे में धुत था और अंधविश्वास के कारण उसको मार रहा था। एक आदमी ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन आरोपी ने उसकी एक न सुनी और छाते से उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने कहा कि जब वह व्यक्ति महिला के पास आया तो वह काफी नशे में था और अपने होश में नहीं था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह खुद को भगवान शिव का अवतार मानता था और मानता था कि वह महिला को मार सकता है और उसे पुनर्जीवित कर सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आरोपी महिला के साथ दरिंदगी करते नजर आ रहा है। वह उसके पास में बैठकर यह भी कहता है कि मैं भगवान शिव का शिष्य हूँ जिन्होंने उसे उसके पास भेजा है। वह कहता है महारानी है तुम रानी हो, और अचानक उसकी छाती पर बहुत जोर से मुक्का मार देता है। यह मामला उदयपुर की गोगुंदा तहसील में हुआ जो एक पहाड़ी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बुजुर्ग महिला अकेले ही पास में किसी के घर जा रही थी तभी आरोपी ने उसे रोक लिया था। पुलिस ने कहा है कि यह एक अनियमित हत्या थी। ऐसा लगता है कि आरोपी अंधविश्वास से ये सब कर रहा था। जो भी हुआ वो हम सबके सामने है, इस पर हम कुछ देर बात करेंगे और हमेशा की तरह शांत हो जाएंगे। हम 21वीं सदी के भारतीय लोग हैं जो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतर इंसान बनने की नहीं। क्या हमें चांद पर जाने से पहले एक बेहतर इंसान बनने की जरूरत नहीं है? क्या होगा जब हम चांद पर चले जाएंगे और वहां भी अंधविश्वास और खुद को खुदा समझकर हमारे अपनों को ही अपने हाथों से मार डालेंगे और फिर मारने का जश्न मनाएंगे। नमस्कार।